राजधानी दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके से एक ऐसी वारदात की खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। यह है कलियुगी पिता ने अपने महज 3 महीने के बच्चे की दीवार से पटक पटक कर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाले कातिल पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 3 दिसंबर की रात को पुलिस को कॉल मिली थी कि मंगल बाजार रोड समता विहार में एक आदमी ने अपने बच्चे को मार दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि 26 साल का रवि राय नशे की हालत में है और मौके पर उसका 3 महीने का बेटा लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बच्चे का सिर पूरी तरह से फट चुका था। पड़ोसियों ने और मकान मालिक ने बताया कि पति पत्नी करीब 1 महीने पहले यहाँ किराए पर रहने के लिए आए थे, लेकिन इनके बीच रोजाना ही झगड़ा होता रहता था। आरोपी की पत्नी आजादपुर मंडी में काम करने के लिए जाती है, जबकि पति ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। पति अपनी पत्नी को भी काम पर जाने से मना करता था। दोनों में बच्चे को कौन रखेगा इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। वारदात वाले रोज भी दोनों के बीच काफी लड़ाई हो रही थी। तभी इसी बीच घर से आरोपी की पत्नी चिल्लाते हुए बाहर आई और पड़ोसी से बोलने लगी कि मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने बच्चे को दीवार पर पटक पटक कर मारा है। फिलहाल आरोपी पिता रवि राय पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसके गुनाहों का हिसाब ले रही है।